हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बेटा, जो लास्ट लेक्चर था हमारा, उसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, उसमें बेसिकली हमने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर डिस्कस किया था, एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी ड्राइव की थी हमने, उसका फॉर्मूला ड्राइव किया था। एंड आफ्टर दैट मैंने आपको एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट डिस्कस कराया था, क्लियर। और फिर एनर्जी डेंसिटी का भी कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया था हम लोगों ने। नाउ वी आर स्टार्टिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर। एंड उसके बाद फिर हम लोग इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे जो बेसिकली हमारा एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट है, या फिर ये कह लो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो अगर हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की बात करें, तो हमारे पास जनरली टू टाइप्स के कॉम्बिनेशंस होते हैं। वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकेंड वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन को पहले समझेंगे और पैरेलल कॉम्बिनेशन को बाद में समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की। तो जब फर्स्ट हमारा टॉपिक है सीरीज कॉम्बिनेशन, तो बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्जेस, ये जो हमारे कैपेसिटर्स होंगे, इनको अरेंज किस तरह से करेंगे उनको ध्यान से समझो। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो हमारे कैपेसिटर्स होते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, उनको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इस सिंबल से, क्लियर। इसमें एक प्लेट हमारी पॉजिटिव होगी, एक नेगेटिव होती है। ये है हमारा, जिसमें सी हमारा क्या हो, फिक्स्ड हो, और अगर सी वेरिएबल है, मींस कैपेसिटी हमारी बदल सकती है, देन उसको हम इस तरह से, ये वेरिएबल सी हमारा वेरिएबल कैपेसिटी वाला कैपेसिटर, हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम जनरली बात करने वाले हैं फिक्स्ड कैपेसिटी की, तो हम यहाँ पर सिंबॉलिक फॉर्म में ही लिखेंगे उसको। तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं, तो सीरीज में कैसे कनेक्ट होगा, यहाँ पर इस तरह से हम कनेक्ट कर देंगे कुछ कैपेसिटर्स को। लाइक हमारे पास थ्री कैपेसिटर्स, मैंने इनको इस तरह से अरेंज कर दिया, ठीक है। ये प्लस माइनस प्लेट्स हो जाएंगे हमारी। एंड इस कॉम्बिनेशन को, पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन को मैंने एक बैटरी के साथ सप्लाई से जोड़ दिया। दिस वन इज वी वोल्ट सप्लाई, वी वोल्ट की बैटरी के साथ मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। तो जब मैं इसको वी वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर दूंगा, तो यहाँ से क्या होगा, इसमें चार्ज सप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा और ये कैपेसिटर हमारे चार्ज होना स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझनी है वो ये देखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज का डिवीजन नहीं होता है। जितना हमारा चार्ज बैटरी से मिलेगा, जो हमारी चार्ज जो बैटरी सप्लाई करेगी, वो ही हमारा चार्ज थ्रू आउट द कंडक्टर जाएगा, ठीक है, थ्रू आउट द कैपेसिटर्स जाएगा, सारे के सारे कैपेसिटर। तो अगर हमने कहा कि भाई क्यू चार्ज टोटल सप्लाई हो रहा है यहाँ से, तो Q इसमें भी रहेगा, Q इसमें भी रहेगा और Q इसमें भी रहेगा, बदलेगा नहीं, ठीक है। तीनों की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ध्यान रखना, जब भी कभी कभी बच्चों को पहचानने में दिक्कत आ जाती है कि सीरीज को कैसे पहचाने, पैरेलल को कैसे पहचाने, कौन सा कॉम्बिनेशन, कौन से कैपेसिटर्स हमारे सीरीज में लगे हुए हैं, कौन से कैपेसिटर्स हमारे पैरेलल में लगे हुए हैं, ये पता लगाने के लिए आप सबसे इंपॉर्टेंट बात, सीरीज में चार्ज डिवीजन नहीं होगा। अगर चार्ज डिवीजन नहीं हो रहा, समझ जाना वो दोनों कैपेसिटर हमारे किसमें है, सीरीज में है। अगर डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटी है और चार्ज उनमें सेम है, तो आप सीधा सीधा समझ जाओ वो दोनों कैपेसिटर हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन में है, दैट्स इट, क्लियर। आइए जरा बात करते हैं, इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट भी बनाना पड़ेगा। तो इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट हम बना लेते हैं कि भाई हम इसकी सबकी जगह एक कैपेसिटर लगाएंगे, जिसका इफेक्ट जो होगा, इक्विवेलेंट इफेक्ट होगा, वो एग्जैक्टली हमारा इन तीनों के इक्विवेलेंट इफेक्ट के बराबर होगा, ठीक है ना। सो
मैंने मान लिया इसकी कैपेसिटी है सी वन, इसकी कैपेसिटी है सी टू और इसकी कैपेसिटी है सी थ्री। इसका चार्ज तो सेम रहेगा सभी में, अगर यहाँ से Q चार्ज हमारा सप्लाई किया गया तो Q ही बैटरी में भी ये सारे कैपेसिटर्स में रहेगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सबका अलग अलग हो जाएगा। तो इसका V1 V2 V3 मान लिया, यहाँ से V पोटेंशियल दिया, चार्ज आपका Q होगा V और C मान लो ये सी एस कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन में है और इस तरह से हमारा सप्लाई रहेगी। तो दो पॉइंट यहाँ पर समझने हैं, क्या समझने हैं, सबसे पहला पॉइंट पोटेंशियल हमारा अलग अलग रहेगा सारे कैपेसिटर्स में, सो पोटेंशियल डिफरेंस इन ऑल कैपेसिटर्स इज डिफरेंट। क्लियर। सेकेंड पॉइंट, चार्ज इन ऑल कैपेसिटर्स इज सेम एंड इक्वल्स टू टोटल चार्ज, इक्वल्स टू टोटल चार्ज। दूसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, अब पोटेंशियल अगर सभी में डिफरेंट डिफरेंट है तो आप देख रहे हो कि V इज इक्वल्स टू होता है Q अपॉन C, इट मीन्स V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, V इज इक्वल्स टू Q अपॉन C, सो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। इट मीन्स यहाँ से हमें ये पता चल जा रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा पोटेंशियल का वो कैपेसिटी के डिस्ट्रीब्यूशन के रिवर्स में होगा। मीन्स मैंने कहा कि अगर V1 रेशियो V2 रेशियो V3 एंड सो ऑन अगर निकाला जाए तो इसका रिवर्स आएगा, क्या आएगा, लाइक V3 रेशियो V2 रेशियो V1 एंड सो ऑन, इस तरह से आएगा। इसका थोड़ा सा मीनिंग समझा देता हूँ मैं, क्या है देखो ज़रा ध्यान। जैसे मैंने कहा कि बेटा अगर हमारी ये V1 V2 V3 नहीं है, इट इज़ नॉट V1 V2 V3 कैपेसिटी, C3, C2, C1 एंड सो ऑन। जैसे सपोज मैंने कहा कि मेरे पास दो कैपेसिटर्स हैं और उन कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस का रेशियो है 1:2, तो उनके वोल्टेज का रेशियो क्या होगा, उनकी वोल्टेज का रेशियो होगा V1 V2 का रेशियो जो होगा वो 2:1 होगा, रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स ध्यान रखना, अगर यहाँ पर थ्री कैपेसिटर्स हैं जैसे C1 C2 C3, अगर इनका रेशियो 1:2:3 है तो बेटा V1, V2 और V3 का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:2:1 हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। रेशियो जो है हमारा चार्ज या वोल्टेज का जो डिवीजन होगा वो क्या होगा, इनवर्स डिवीजन होगा। सबसे ज़्यादा वोल्टेज उसमें होगा जिसकी कैपेसिटी सबसे कम होगी, सबसे कम वोल्टेज उसमें होगा जिसकी कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, चलो ये समझ आ गया। अब मैं ऊपर का ये सारा रफ करूंगा और फॉर्मूला ड्राइव करेंगे इसका, तो इसको मैं रफ कर देता हूं यहां से। इसको अगर हमने रफ कर दिया, अब हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालनी है भाई। तो अब आप ध्यान से देखो क्या होगा, यहां ये जो वी पोटेंशियल सप्लाई दिया गया वो हमारा इन तीनों में डिवाइड हो गया, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, कोई दिक्कत नहीं, फ्रॉम डायग्राम लिख सकते हो। इक्विवेलेंट सर्किट सेम, अगर आप V की वैल्यू निकालोगे तो Q अपॉन CS लिख जाएगा, और इस वाली सर्किट से अगर आप V1 V2 V3 की वैल्यूज निकालोगे तो ये आ जाएगा Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। बेटा यहाँ से Q कॉमन हो जाएगा, हमारा CS क्या मिलेगा, 1:C1 प्लस 1:C2 प्लस 1:C3। ये आ गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, बट ये अभी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकली नहीं है, आप इसको इधर एलसीएम लोगे, सॉल्व करोगे, जो आंसर आएगा उसको रिवर्स करना है, तब CS आएगा, बिकॉज ये C1:CS की वैल्यू है ना कि CS की। तो एलसीएम लेके सॉल्व करने के बाद उसको रिवर्स भी करना पड़ेगा। ठीक है,
तो ये हमने सीरीज कॉम्बिनेशन देख लिया, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ये फॉर्मूला आ गया। अच्छा, दो कैपेसिटर्स होंगे तो फॉर टू कैपेसिटर्स हम इसको डायरेक्ट भी लिख देंगे, थ्री के लिए थोड़ा लेंदी हो जाता है, तो ये हो जाएगा वन अपॉन सी एस इज इक्वल टू वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू, एंड इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी वन सी टू, और ये हो जाएगा सी वन प्लस सी टू। तो सी एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी वन सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू, ये दो कैपेसिटर्स के लिए है। ऐसे अगर n कैपेसिटर्स हैं तो वो इसको एक्सटेंड करते चले जाओगे आप, राइट। चलो अब हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन की। हाँ जी, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें, सीरीज कॉम्बिनेशन हमारा डन हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन की जब बात करेंगे तो इसमें हमारे कैपेसिटर्स किस तरह से कनेक्टेड होंगे, आपको इस तरह से कनेक्टेड मिलेंगे। सबका एक टर्मिनल एक जगह कनेक्टेड होगा, दूसरा टर्मिनल दूसरे सेम पॉइंट पे कनेक्टेड होगा, लाइक दिस। दिस टाइप ऑफ कनेक्शन विल बी देयर, राइट। This is my parallel combination, ठीक है, parallel combination। तो ये हो गया हमारा C1, C2, C3। अब parallel combination में क्या होता है, parallel combination में charge हमारा divide होता है, charge का division होता है, तो इसमें charge जाएगा Q1, Q2 और Q3, लेकिन potential हमारा देखो सारे terminal same potential से connected हैं। इट मीन्स पोटेंशियल डिवाइड नहीं होगा, तो आप समझ जाना जहां पर चार्ज का डिवीजन हो रहा हो वहां हमारे कैपेसिटर्स किस में होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड होंगे। जहां चार्ज का डिवीजन ना हो रहा हो वहां पर हमारे जो कैपेसिटर्स होंगे वो सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड होंगे। तो यहां पर दो तीन बातें आपको समझनी है। पहली बात तो ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स सेम, रिमेन्स सेम इन ऑल कैपेसिटर्स एंड इक्वल्स टू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारा बैटरी से सप्लाई किया गया, क्लियर। दूसरी बात आपको यह समझनी है कि चार्ज जो होगा हमारा इट विल बी डिफरेंट, चार्ज इन ईच कैपेसिटर विल बी डिफरेंट। ये दूसरा हमारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर ये चार्ज डिफरेंट है तो चार्ज का डिवीजन जो होगा वो कैसे होगा, Q1 रेशियो Q2 रेशियो Q3 जो आएगा हमारा वो कुछ इस तरह से आएगा, C3 रेशियो C2 रेशियो C1 एंड सो ऑन, C1 C2 C3, नॉट थ्री, बिकॉज आप जानते हो क्यू इक्वल्स टू सी बी होता है एंड हेंस क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका डायरेक्ट डिपेंडेंसी है, जितनी ज़्यादा जिसकी कैपेसिटी होगी उतना ही ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा, जिसकी जितनी कम कैपेसिटी होगी उसमें उतना ही कम चार्ज स्टोर होगा। इट मीन्स कि चार्ज का डिवीजन किस तरह से होगा, उनकी कैपेसिटेंस के रेशियो में होगा, और सीरीज में आपने देखा था वोल्टेज का डिवीजन क्या था, उनकी कैपेसिटेंस के इनवर्स रेशियो में मिल रहा था, ठीक है। तो ये चीजें समझ आ गई। अब हम इसका डेरिवेशन एक ड्राइव करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, तो इसको मैं रफ कर रहा हूं। ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, न्यूमेरिकल के लिए बहुत हेल्प करेंगे आपको ये तीनों पॉइंट्स। इन तीनों पॉइंट्स के अलावा आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा अगर ये आपको नहीं आते हैं। इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं पहले। तो इक्विवेलेंट सर्किट क्या बन जाएगा, ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। CP मान लो इसकी कैपेसिटी है, V वोल्ट यहां से सप्लाई दिया गया, तो चार्ज Q हो गया और वोल्टेज V हो गया। तो अब हम जानते हैं क्या, जो हमारा चार्ज दिया गया वो हमारा तीन जगह डिवाइड हो जाएगा, Q1 दूसरे में जाएगा, कुछ थर्ड में जाएगा, और यहां से और यहां से दोनों सर्किट को जब यूज करोगे तो Q इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो आप, CP इंटू V लिख सकते हो,
क्यू वन इज टू क्या लिख सकते हो, सी वन इंटू वी लिख सकते हो, क्यू टू इज टू क्या लिख सकते हो, सी टू इंटू वी प्लस क्यू थ्री सी थ्री इंटू वी। यहां से v अगर आप कॉमन ले लोगे तो आप देखो cp क्या मिलेगा, cp इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री मिल गया, और यही मेरा फॉर्मूला है किसका, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, पैरेलल कॉम्बिनेशन का। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर बहुत सारे कैपेसिटर्स हमारे कनेक्टेड है तो उनकी जो कैपेसिटी होगी वो क्या होगी, वो सारी की सारी कैपेसिटी हमारी एक साथ कैसे निकलेगी, सबको डायरेक्टली आप ऐड कर दो, दैट्स इट। ऐड करने से जो टोटल कैपेसिटी आएगी वही हमारी क्या होगी, उसकी टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटी होगी उस सर्किट की। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी आएगी वो हमारी काफ़ी हाई होती है, सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटी हमारी जितने भी कैपेसिटर्स हैं उन सब में से जो सबसे लोएस्ट वैल्यू वाला होगा उससे भी कम हो जाती है। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होती है, ज़्यादा रहती है। क्लियर, तो ये आपने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट समझ लिया। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि जैसे मैंने अभी थर्ड पॉइंट जो डिस्कस किया था कि जैसे अगर आपकी कैपेसिटेंस का रेशियो है C1:C2:C3 इज इक्वल्स टू 1:2:3 तो चार्ज का रेशियो भी सेम ही रहेगा, ये ध्यान रखना, ये बदलेगा नहीं, चार्ज का रेशियो भी सेम रहेगा। क्लियर, चार्ज का रेशियो सेम रहेगा बिकॉज ये डायरेक्टली डिपेंडेंट, जितना ज़्यादा हमारा कैपेसिटी होगा किसी कैपेसिटर का उतनी ज़्यादा चार्ज उसमें स्टोर होगा। ठीक है, हाँ तो यहाँ पर आपने देखा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन बेसिकली। ठीक है, तो समराइज कर दिया मैंने क्या कि यहाँ पर सीरीज अगर आ जाता है तो आप कैसे निकालोगे, 1/CS = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 एंड सो ऑन, एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप कैसे निकालोगे, C1 + C2 + C3 एंड सो ऑन। तो ये फॉर्मूला हमारे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में यूज होंगे यहाँ पर। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत सारे आते हैं, तो ध्यान रखना आपको यहाँ से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बहुत सारी करनी पड़ेंगी बिकॉज सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से जितने क्वेश्चन आप कर लोगे वो कम ही रहेंगे क्योंकि यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। राइट, तो आप कोशिश करो कि यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, रेशियो चार्ज भी पूछ सकता है हर एक कैपेसिटर पर, हर एक कैपेसिटर का वोल्टेज भी पूछ सकता है, तो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपको पूछा जा सकता है। अच्छा, एनर्जी की बात भी कर सकता है, तो अगर आप टोटल एनर्जी निकालोगे तो यूज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/2 C टोटल, जैसे सी इक्विवेलेंट हमारा यहाँ है तो सी टोटल इंटू वी स्क्वायर से निकाल सकते हो, ये हम लगाएंगे, जनरली इसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में यूज़ करेंगे। ठीक है, वैसे आप किसको कहीं भी यूज़ कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एनर्जी जब निकाली जाए कॉम्बिनेशन में आपको कैपेसिटर्स दियो तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, और ये वाला फॉर्मूला आपको यूज़ करना है सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। अगर आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स हैं बहुत सारे तो ये आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो इतना सारा हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, इससे आगे का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे बिकॉज ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे आगे आप पहले इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, इसको अच्छे से समझो, देन मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के साथ। ठीक है, उसमें देखेंगे चार्ज हमारा किस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूट होगा अगर आप दो कंडक्टर को आपस में कनेक्ट करोगे। ठीक है, चलिए, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।